फेलियर सब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सामने आ जाओ। मैं हूँ रजनी और तुमको बनाएगा गजनी। मैं बोलेगा उठो तो तुमको बैठना पड़ेगा, और मैं बोलूँगा बैठो तो तुमको लेटना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ रजनी और तुमको बनाएगा गजनी। मेरे जंगल से बचना यंग पॉसिबल, बोले तो यंग पॉसिबल। तुम सिद्रा स्कूल के प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं हूँ गजनी और तुमको बनाएगा रजनी। अरे गजनी साहब क्या बताऊँ, मार्च पहिया ने हमारी आंखें खोल दी छक्के मार मार के। अब हम जानते हैं बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, पर कोई अपने बेटे को ऐसे तो नहीं मारता। शर्म के मारे अब स्कूल भी नहीं जा रहा। माज भैया ने तो हमारी आंखें खुली छोड़ दी। या माज, इतना बड़ा बच्चा यंग पॉसिबल। अरे फेलियर साहब, सिर्फ मैं नहीं, ये तुम्हारी पूरी टीम का बाप निकला। वो फिर तो हम भी तुम्हारे बाप निकले, क्योंकि हम है रजनी और तुमको बनाएगा गजनी। अरे गजनी साहब, मार्स वाले तो 67 रन पे आउट हो गए और हम सामने आ गए। अबे चुप कर, लाते मार देंगे। हम 67 पे आल टीम जानबूझ के आउट हुई है, क्योंकि जो बड़मा उखाड़ने वाला है ना, हमने उसकी टिकट ले रखी थी। हमारी पूरी टीम ने उसकी फिल्म देखनी थी, तब भी हम जानबूझ के 67 पे आउट हुए हैं। और फिर जाके हमने फिल्म देखी, क्योंकि वो जो बड़मा उखाड़ने वाला है ना, हमने तुझे वैसे उखाड़ना था। पर सनी पाजी जिंदाबाद, सनी पाजी जिंदाबाद। वो कहता है एक साथ मरेगा सब। ओ फेलियर साहब, ये तो मेरा फैन निकला, इसे माफ कर दो। ऐसा तो नहीं होता ना, मेरे चंगुल से बचना यंग पॉसिबल, बोले तो यंग पॉसिबल। सनी भैया, सेलियर साहब तो गुस्से में आ गए, चलो इनके लिए हड्डियां लेके आते हैं। ओए छोटे, तू सही कह रहा है, चल। अलो फेलियर को लगता है यहाँ से निकलना यंग पॉसिबल है, बट हम यहाँ से निकल कर दिखाएगा। अरे भैया कैसे? वो जो तुम इन दो बंदों को देख रहे हो, चलो ना, वो लड़कियों का नहीं लड़कों का दीवाना है। वो लड़केबाज हैं, बोले तो लोंडेबाज हैं। तुम अपने गोरे गोरे पांव इनको दिखाओ, वो भी बालों से भरे हुए। वो तुम्हारे बाल देखकर पागल हो जाएंगे और फौरन भागते हुए आएंगे। वो जैसे ही तुम्हारे गोरे गोरे बाल देखेंगे तो वो चलते हुए तुम्हारी तरफ आएंगे, और तुम इसे गर्दन से पकड़ लेना, और मैं इसको बेहोश करने के लिए इधर उधर से चीज़ें ढूंढूंगा, और मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपना पुराना कच्छा जो 2 साल से धोया नहीं है वो इनको सुंघाऊंगा, और ये बेहोश हो जाएंगे। यहाँ से निकलेगा और हम इधर उधर देखेगा कि कोई है तो नहीं। सैसे ही सामने गार्ड का नज़र हम पर पड़ेगा, हम फुवारा बन जाएगा, और आगे निकलते साथ ही हम गटर के पैप के अंदर जाएंगे, और गटर के अंदर जैसे ही गिरेंगे तो थोड़ी देर बाद तेरे पिछवाड़े पर एक छोटा सा चूहा काटेगा। पर तू टेंशन ना लियो, मैंने तेरे पिछवाड़े पर पहले से ही भैंस का इंजेक्शन लगवा रखा है, और गटर से पाइप से बाहर निकलते ही हम बाहर निकल जाएंगे। हम फेलियर की कैद से आज़ाद हो जाएंगे ब्लू सांडे की तरह। अब ये ब्लू सांडा क्या है? अरे शापर, ये एक डायलॉग है। हम तो बातों बातों में ही जेलियर की जेल से बाहर आ गए। हमारी किस्मत भी ख़राब है, सामने की तरफ देखो, एक गाड़ी इंतज़ार कर रही है हमारा। अब हम इसमें बैठ के चुपके से निकल जाते हैं। चलो चलो भाई। मैं निकला ओ गड्डी लेके रस्ते पर। ओए मैं तो गाना ही भूल गया, रस्ते पर। मैं इनके लिए हड्डियाँ ले आया हूँ और साथ में खाना ले आया हूँ। कब से ये मेरा दिमाग खा रहे हैं, 0 पे ऑल टाइम आउट हो गई, सामने शक्ल दिखा रहे हैं। ओ मैं अभी खाना निकालता हूँ। ओए तुम कौन हो, गाड़ी में कैसे आए?